इस तरफ उस तरफ खड़े होते थे। ठीक है भदौरिया जी भाई साहब 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट रुक जाओ। टुक टुक तो आए नहीं, देखो कर लीजिए।
थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। इस समय बैंक में, वैसे मैं तो पुलिस में हूँ पर मुझे तो पता नहीं, पर बैंक में महत्वपूर्ण योगदान उनकी वाइफ का होता है। इस समय उनकी वाइफ होनी चाहिए तो ज्यादा बेटर। सही बात है। माला दे देना है, माला दे दो एक अंदर कर दो, ये अंदर हो जाएगी। स्पेस ज्यादा कम पड़ गई। इसको कंप्यूटर में माला पहनाते हैं उसमें तो आना बड़ा मुश्किल है, खुल जाती है। सर आप ही लगाइए, माले का वो हो गया तो जो विषय भी उसको जाके पढ़ा है। माला के ऊपर निकालना पड़ेगा तो होगा उससे कोई लूज होगी वाला। माला से ऊपर निकालना पड़ेगा इसको। सही है, टाइट हो गया। सर एक माला अभी पहनाई है, मैं चीफ अजीत सिंह जी से कहूंगा कि पहले तो एक माला पहना करके सर का स्वागत करें। और जैसा कि मैं एक सुरक्षा के साथी कह रहे थे, ये समय ऐसा था कि जरूर जो है कहते भाभी जी को होना चाहिए। बैंक वालों की सर्विस में सबसे ज़्यादा सफरार अगर कोई होता है तो वो वाइफ को, क्योंकि बैंक में आने का समय जो समय आ गया वो बैंक में आने का समय है, जाने का समय नहीं है। मैं भी मतलब क्योंकि ये जानता हूँ कि यार मेरे बच्चे कब स्कूल भेजियाँ जाती थी, कब क्या होता था, ये मैंने आज तक कभी पेरेंट टीचर मीटिंग भी नहीं अटेंड की। वो सारा काम वाइफ का ही होता था, अगर वो ना करते तो ये काम नहीं होता। तो उनको ज़रूर लाना चाहिए था, लेकिन वो इस मौके पर पता नहीं क्यों नहीं है। उसकी बच्ची अभी है ना, वो 9 महीने की। अच्छा अच्छा, तो फिर वो जो है कहते हैं जाता हुआ कुत्ता जी का बहुत ही अच्छा कैरियर रहा, बहुत ही अच्छे उससे सम्मान हो रहे हैं। आने वाला समय इतना चेंजेज है कि लोगों को पता नहीं कब वो सेवानिवृत्त होंगे या कैसे होंगे। आने वाला जीवन सुखमय हो, देवतियों के साथ परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, और जो ना कर पाए हो, जो चीजें रह गई हो, वो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम जरूर व्यतीत करें। स्वस्थ रहें सब परिवार, यही का शुभकामना है हम लोग। बैंक एक मोमेंटो सर्टिफिकेट देता है, जिसमें गुप्ता जी जब बैंक ज्वाइन किए होंगे तो उस समय की फोटो होगी और आज की फोटो होगी, दोनों ही फोटो होंगे। अजीत सिंह जी से अनुरोध है कि जो है कि गुप्ता जी को मोमेंटो जो है मम्मी का दर्द होता है।
सतीश जी से और चीफ साहब से अनुरोध है कि वो साल महीना करके जो है कहते हैं अरे ये बिना जी लाल जी कर देंगे आप उनको बताओ आ जाओ सर आ जाओ ये कह रहा है पिक्चर वाले हीरो लग रहे हो मैंने बी टेक अपना अमृता यूनिवर्सिटी से किया था ट्वेल्थ में, तो जब मैं इलेवेंथ और ट्वेल्थ में था तो मुझे पता नहीं था कि क्या करना है लाइफ में, तो पापा ने डिसीजन लिया था, हम लोगों को तो पता नहीं था कि आगे क्या करना है, क्या किस लाइन में जाना है, तो जो डिसीजन पापा ने लिया था और आज उस पापा के उस डिसीजन की वजह से आज मैं इस समय एलएनटी में हूँ। तो जो मतलब अभी तक लाइफ में मेरे लिए जो पापा ने डिसीजन लिए थे वो मतलब अभी तक मतलब मेरे लिए तो अच्छे रहे, बल्कि चारों के लिए, हम चारों के लिए, जो चारों बच्चों के लिए जो डिसीजन पापा ने लिए थे, जहाँ हम कंफ्यूज थे, हमें नहीं पता था क्या करना है, जो डिसीजन पापा ने लिए थे वो हम चारों के लिए बहुत मतलब बहुत अच्छे रहे डिसीजंस। तो और हमेशा जब भी हम कंफ्यूज भी होते थे अपनी कंपनी में भी, कभी किसी चीज़ में परेशानी आई या किसी से अगर कंपनी में कलीग के साथ नहीं बन रही, मैनेजर के साथ नहीं बन रही, तो पापा से फोन करके डिस्कस करते थे, तो पापा उसका ऐसा सॉल्यूशन देते थे तो उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था और टेंशन से मुक्त हो जाते थे। तो मतलब एक होता है ना जैसे कि पिता को जो परमिशन की तरह देखा जाए, तो एक्चुअल में हमने तो वैसे ही देखा है, क्योंकि हमारी जब भी समस्या आई है, चाहे कंपनी में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में, जब भी डिस्कस किया पापा से कोई ना कोई समाधान मिल जाता था, तो वो उस तरीके से पापा का हमेशा आशीर्वाद बना रहा है, और वो तो चारों बच्चों पर ही है, सब पे है, इन पे भी है, तो कभी भी कंफ्यूजन कुछ रहता है तो वो तो रहता ही पापा। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है, और तो जैसा इसने बताया तो 11 12th में उस टाइम पे मुझे भी कंफ्यूजन था, तो हमें पहले तो अच्छी कोचिंग दिलवाई पापा ने, जिसकी वजह से तो पहले जब कोचिंग सेलेक्ट करनी थी तो उसमें भी पापा ने बेस्ट कोचिंग सेलेक्ट की, फिर कॉलेज के टाइम पे आए तो भी बेस्ट कॉलेज है साउथ का, बहुत जो रेप्यूटेड कॉलेज है जैसे DIT यूनिवर्सिटी नाम सुना होगा, तो वो डिसीजन भी पापा का था। पैसा जब भी उन्होंने कभी देखा नहीं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमेशा बेस्ट चीज़ सिलेक्शन ही करी हमारे लिए। फिर जब ऑफिस जब फ्रेशर्स थे हम, तो जब ज्वाइन करना था कंपनी को तो भी हमारे पास चार ऑफर थे, तो उसमें से भी बेस्ट ऑफर हमारे लिए कौन सा रहेगा वो पापा ने अपने कॉलिग्स वगैरह से डिस्कस किया जो बैंक में हैं, जिनके बच्चे IT में हैं, पापा ने मतलब पता करके हमें बताया, तो अभी हमें उसका लगता है कि हाँ जो डिसीजन पापा ने उस टाइम पर लिया था वो अच्छा था। तो उसके बाद मैंने चार कंपनी बदल दी, मतलब अभी फोर्थ कंपनी चेंज करी है, तो सब मैं भी मतलब मैं ये मानूंगा पापा का जो फर्स्ट कंपनी के लिए डिसीजन था वो इसके लिए जो नींव अच्छी होनी चाहिए वो पापा ने उस टाइम पर रखवा दी थी इनको, सब जो अंदर आया था मुझे, तो अभी मैं कैप्टन में हूँ, तो वो डिसीजन पापा का मतलब कभी कभी हमें लगता था कि ये डिसीजन हो सकता है ठीक ना हो, पर जब उसका फल आता है तो लगता है कि हाँ वो डिसीजन हमारे लिए अच्छा ही था। ये कई बार हुआ है, मतलब उस टाइम पर महसूस नहीं होता था, हमें लगता था थोड़ा होता था कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप, पर जब फल मिला है तो हमें लगा कि हाँ वो अच्छा ही डिसीजन था हमारे लिए।
मैं सभी गुप्ता और मतलब शादी भी हो चुकी, दो बच्चे भी हैं मेरे, तो मैं अभी भी मतलब शादी के बाद भी मेरी पढ़ाई कंटिन्यू से चल रही है, वो भी मेरे पापा की वजह से। उन्होंने हमेशा मैं गाइड किया है और हमेशा आगे भी सपोर्टिव भी रहे हैं, तो और हमेशा सपोर्ट करते भी रहेंगे, और मेरे पापा मेरे आइडियल हैं। मेरी शादी खैर काफ़ी टाइम हो गया है और दो बच्चे भी है मेरे, और लेकिन मेरे को ये लगता है कि मतलब जैसे कि मेरे को इतना नहीं था नॉलेज तो, लेकिन जहाँ जहाँ पापा ने डिसीजन लिया है तो उससे आज मैं सेटिस्फाई हूँ कि हाँ मतलब पापा ने सही डिसीजन लिया था। तब उस समय लगता था कि नहीं मतलब थोड़ा सा लगता था, कंफ्यूजन सा क्रिएट होता था, बट आज की तारीख में मतलब ऐसे लगता है कि मतलब पापा ने जो जो डिसीजन लिए हमारे लिए तो मतलब वो सेटिस्फाइड है, मतलब अच्छे है। इवन हम बच्चों के लिए नहीं, हम पापा की जो बड़ी बहन है वो भी पापा से ही पूछ के कभी कभी डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में एक्चुअल में हमारे फैमिली में देखा जाए तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। नहीं, हम कहते हैं यहाँ पे भी कभी ऐसे ऐसे मतलब कि सजेशन दे देते थे जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, मतलब हम लोग को जो कंफ्यूजन होता है ना, वो जो भी कंफ्यूजन होता है तो जैसे हम पापा से बात करते हैं तो उसको सॉल्व आउट पापा मतलब बता देते हैं, लेकिन उस समय हमें लगता है कि सर मैं मतलब इसको हम फॉलो करें या नहीं करें, तो उस समय हम कर लेते पापा की बातों में आके, बट बाद में लगता है कि हाँ मतलब ये अच्छा मतलब सेटिस्फेक्शन होता है वो। सभी साथी सम्मानित साथी, मैंने दिसंबर 1983 में बैंक में एजे क्लब शमजाबाद प्रकाबाद में जॉइन किया था। एक साल बाद मेरा ट्रांसफर फिरोजाबाद हुआ, 15-16 साल मैंने फिरोजाबाद ही काम किया लोकल का, उसके बाद प्रमोशन लिया मैंने 2001 में, तब मुझे खुर्जा पोस्टिंग मिली, खुर्जा अरनिया दोनों ब्रांचों में रहकर 3 साल बाद फिर मैं आगरा वापस आ गया, तो आगरा में ब्रांचों में रहा PRDC और ब्रांचों में। 2012 में फिर मेरा स्टेट हुआ प्रमोशन हुआ भरे में, तो फरे में भी 3 साल फरे फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से फिर मैं आगरा, तो आगरा साहबगंज और लोकल ज़्यादा प्रमोशन मैंने लिए नहीं थे, मुझे बहुत दूर बाहर जाने का थोड़ा हिचकिचाहट थी, इस वजह से मैं ज़्यादा प्रमोशन लिए नहीं, तो 2022 तक इसके जो मैं यहाँ मैंने प्रमोशन के फॉर्म लग रहा है इसलिए नहीं बड़ा उठा। अब मैं चीफ साहब और सतीश जी, इनका मुझे आज बहुत प्रेम मिला है, पर हालांकि मुझसे भी थोड़ी गलतियाँ हुई हैं कन्फ्यूजन में, उनके लिए मैं इनसे क्षमा जाता हूँ, और सभी साथियों का मेरे जितने रहे हैं कमल सिंह जी हैं, शर्मा जी हैं, सभी मेरे जो हैं आर्म्स गार्ड वगैरह, बहुत प्यार मिला है। गाड़ी में जब जब मैं जाता हूँ तो पता नहीं लगता कब समय गया और कब समय मतलब आ गया, बहुत ढंग से यहाँ पे टाइम बहुत अच्छा कटा मिला। अब ये कि अब रिटायर हो गए हैं तो सोचता हूँ थोड़ा बहुत धार्मिक स्थलों का भ्रमण करूँगा, फिर बच्चों के पास रहूँगा, फिर उसके बाद थोड़ा ऑडिशन लूँगा क्या करना कैसे करना, इसी साथ में जैसा कि एक रवायत है परंपरा है बैंक अपने हर सेवानिवृत्त होने वाले साथी को एक स्मृत चिन्ह देती है। अजीत सिंह जी से और सतीश जी से अनुरोध है कि तो बैंक की तरफ से दिया जाने वाला स्मृत चिन्ह वो अपने बोले हो जाता है वो चीज है, और बाकी स्टाफ एक सेवा स्मृत चिन्ह दे रहा है, सभी स्टाफ की तरफ से है, भाभी जी का था वो तो आएंगे, भाभी जी का भी इन्हीं को जो है कहते ग्रहण कराइए जो है, आ जाइए भाई स्टाफ के लोग आ जाए जो है दो शिफ्ट में करना बस शिफ्ट में आया भवानी शंकर शर्मा
अरे पीछे बैठो बेटा, आपका पीछे बैठो।